मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की जिंदगी पर आधारित एक नाटक रंगीला बादशाह का मंचन दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। संगीत, नृत्य और कला के कद्रदान मोहम्मद शाह ने अपने इस शौक के चलते ही अपना सब कुछ खो दिया था, जिसके अंजाम स्वरूप नादर शाह ने उनसे लाल किले का कब्जा छीना और दिल्ली में लूटमार की। हालांकि मोहम्मद शाह को मुगल बादशाहत का सबसे कमजोर सिरा माना जाता रहा है, मगर कला को लेकर उनकी मोहब्बत को भी नहीं भूला जा सकता। इसी को दर्शाता ये नाटक संगीत और नृत्य से भरपूर था। मैं जानना चाहती थी कि मोहम्मद शाह हैं कौन, और उनके बारे में इतनी ना तो टेक्स्ट बुक्स में इतना जिक्र है, ना तो कोई इतनी कोई चर्चा होती है। और ज़्यादातर हम लोग, हमें यही सिखाया जाता, अकबर बादशाह बड़े ग्रेट थे, बाबर, जहांगीर, हमायूं, जहांगीर, फिर ये, और मोहम्मद शाह बेचारे, उनको साइड ट्रैक हो जाते हैं, उन्हें कोई इतना, उनकी चर्चा नहीं इतनी होती। सबसे अच्छी बात इसके स्ट्रक्चर की है कि साइमल्टेनियसली राजमहल और चांदनी चौक के सीन पैरेलल चल रहे हैं, और दूसरा इसकी लैंग्वेज बड़ी ऐसी थी जो कोई भी आदमी समझ सके, आराम से अंडरस्टैंड कर सके। इसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, बहुत खालिस उर्दू के वर्ड नहीं है इसमें। और जिस तरह से जर्नी इसमें कैरी की हुई है मोहम्मद शाह रंगीला की, उसको मोहम्मद शाह रंगीला का इतिहास में जिस तरह से हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, उन रेफरेंसेस से इतर एक रेफरेंसेस इसमें है कि ही वाज नॉट एज बैड एज वी नो। दिल्ली के 100 साल मनाते हुए हेल्पेज इंडिया और लिविंग रूम थिएटर द्वारा आयोजित इस नाटक को दर्शकों ने काफी पसंद किया। सरिता वोहरा द्वारा लिखित और निर्देशित इस नाटक में मशहूर गायिका विद्या शाह और पाकिस्तानी गायक शफकत अली खान ने अपनी आवाज दी है। रंग बिरंगी पोशाकों और माहौल से सजा ये नाटक इतिहास की हर झलक को बखूबी पेश करता दिखाई दिया। ज्योतिका ग्रोवर, DD News, दिल्ली।